चलिए एक और क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा मैसअप हो गया ये क्वेश्चन। अगला मेथड है हमारा पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले सारा स्टॉक को इकट्ठा कर लेते हैं, पहले हमारे पास रिसीव होगा, फिर उसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इशू करते हैं। परपेचुअल में सेम डेट पे होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बस हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। क्या कहता है क्वेश्चन में, अ कंपनी आपका स्टेट 1 जैन 2013 को स्टार्टेड ऑन परचेज रॉ मटेरियल 2013 में, इसने जनवरी में खरीदा, फिर फेब में खरीदा, देख रहे हो टाइम गैप देखो आप, इसके बाद फिर अप्रैल में खरीदता है ये, इसके बाद फिर जुलाई में खरीदता है, और ये फिर सितंबर में भी खरीदता है, फिर ये नवंबर में भी खरीदता है। अब वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट 31 दिसंबर, जब ये 31 दिसंबर को हिसाब करने बैठा तो इसने क्या पाया, द कंपनी हैड 1300 kg रॉ मटेरियल इन इट्स गोडाउन, यानी सर इसने 1300 इसके गोडाउन में है, तो मतलब बेचा कितना है कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देख लेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द जो भी ईयर है, एज पर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, एज पर वेटेड एवरेज। तो पहले मैं यहाँ पे फीफो का कर लेता हूं, सबसे पहले फीफो, बड़ा आसान है ये। अरे फीफो, सबसे पहले जिस जिस डेट पे खरीदा ना वो डेट लिख लेंगे, इसका कॉलम बना देता हूं ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में, वैसे कॉलम ना बनाओ तब भी चलेगा। ये डेट लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्वांटिटी, यहां पे लिख देते हैं रेट, यहां पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है, थोड़ा और गैप दे देते हैं। चलिए सर चलिए, ये रहा हमारा डेट, क्वांटिटी, रेट और ये टोटल। सबसे पहले इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से सर, इसने खरीदारी स्टार्ट करी कब से, जनवरी से। 2800 किलो सामान खरीदे हैं, अच्छा 2 जनवरी, 2 जैन 800 किलो, किलो और यूनिट, यूनिट का मेजरमेंट तो सेम ही रहने वाला है, कितने रुपए के हिसाब से, तो कितने का सामान हो गया, 49। इसके बाद सारी खरीदारी कर रहा है, बेचने का तो बता ही नहीं किस दिन बेचा, फिर कब करा, फेब में 26, कितने रुपए किलो, 50, 68,000, अच्छा 400 भी है। इसके बाद कब खरीदा, 13 अप्रैल, कितने किलो, 59, 1,00,000,
इसके बाद 10 जुलाई, 10 जुलाई कितने? 3,000 रेट 168। इसके बाद सितंबर 18 कितने? 1,500 रेट 90,000। इसके बाद 29 नवंबर 1,000 रेट 65, 65,000। चलिए इसके बाद खत्म, बस इतनी खरीदारी। अच्छा चलिए सर टोटल कर लेते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, एक ही सवाल में ना सभी के आंसर दे सकते हैं। पहले क्वांटिटी टोटल कर लीजिए कितने हैं, टोटल क्वांटिटी देख लीजिए कितने हैं। 10,000 किलो सामान खरीदे, टोटल अमाउंट कर लीजिए, टोटल अमाउंट कर लीजिए। कितने? 5,05,000। ठीक है, ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब हम पहले फीफो वाला आंसर देंगे, फिर लीफो वाला, और फिर वेटेज। फटाफट से हो जाएगा ये, ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब लेकिन सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ कि भैया हमने सेल्स कितना किया। तो परचेज आपको पता है सर कि परचेज आपने 1,00,000 किलो खरीदे, और आप बोल रहे सर क्लोजिंग में हमारे पास है, कितना है क्लोजिंग में? 1,300 किलो। तो बाकी क्या हुए? क्या ये 10,000? 1,00,000 गलत बताया। अच्छा हाँ 10,000, सॉरी 10,000 में से 1,300 क्लोजिंग है, तो बचे कितने? ये क्या है हमारा? सोल्ड। पहले तो आप ये देखिए सोल्ड मैंने कैसे निकाला, समझ में आना चाहिए। सोल्ड कैसे निकला है देख लीजिए आप। सीधी बात है भाई, 10,000 किलो थे, 1,300 बच गए, तो बाकी बेच दिए होंगे, है ना। अब जो आपने 87 बेचा है, अगर लीफो के हिसाब से बेचा होगा तो हमारा लीफो में सबसे पहले ये वाला बिकेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चलेगा ना। अगर फीफो होगा तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर वेटेज होगा तो एक रेट निकालेंगे और उसी से सबको सोल्ड आउट कर देंगे, और जो बचेगा हमारा वो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। और हर क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक ही बार मेहनत है इसमें, बाकी तो है नहीं। तो चलिए फटाफट से अब हम पहले कर लेते हैं सर, पहले कर लेते हैं फीफो। तो फीफो में हम सोल्ड करने जा रहे हैं, यानी इशू करने जा रहे हैं। यहां तारीख का कोई दिक्कत नहीं है। तो फीफो में सबसे पहले 1,000 यूनिट बेचेंगे, टोटल 8,700 बेचने हैं ना, पहले 1,000 बेचेंगे 65 के भाव से, फिर 1,500 बेचेंगे 60 के भाव से, फिर 3,000 बेचेंगे। हाँ अच्छा, पहले फीफो, ओके 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 ओके, पहले पहले लीफो कर दें, नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए पहले आ जाते हैं फटाफट, 862, 1,257, 2,559, 2,500 के बाद 3,056। अब 1,500 तो नहीं बिक सकता, क्योंकि यहां तक का आप हिसाब किताब लगाओगे तो कहीं ना कहीं हमें 8,700 तो बेचने हैं। तो यहां से यहां तक कितने हो गए हमारे पीछे? 7,500। 75 में और कितना बेचें जो कि हमारा, तो अब इसमें से ना 1,500 नहीं बिकने वाले, सिर्फ 1,200 बिकेंगे, और वो भी 60 वाले। टोटल रेट की बात करें तो हमने तो पहले निकाल ही लिया, ये काम आसान हो गया ना।
1200, सर ये आ गया सेल्स का वैल्यू, इशू का वैल्यू कह लो, कितना आ गया वो देख लो। अब क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा बताइए क्या बचेगा क्लोजिंग स्टॉक? सर क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा, इसमें से 1200 ही गए ना, तो इसमें से कुछ बचे होंगे 300 और ये पूरा, तो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा हमारा 300 इंटू में 60। अरे तो अलग अलग रेट है ना, 1000 इंटू, वो तो शुरू में ही पता चल गया 1300, ये रहा, तो ये आ गया 1800 या 18000। इसका टोटल बताइए कितने? 337, और इसमें 65 और 18, 80। देखिए सवाल क्या पूछता है, कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल एट द एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू, दो चीजें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है और क्लोजिंग स्टॉक, दोनों बातें हमने बता दी इनको। चलिए अगला, चलिए अगले पॉइंट पे अब करते हैं जो आप उम्मीद और आप सोच रहे थे, सर ये वाला कर दो, वही करते हैं जो आप सोच रहे थे। कौन सा? लीफो। लीफो में आप सबसे पहले कौन सा बिकेगा हमारा? ये 1000 इंटू में 65, फिर ये 1500 इंटू में 60, फिर ये 3000 इंटू में 56, फिर ये 2500 इंटू में 56, नहीं 59। इसके बाद अब आ जाते हैं, ये 1200 है, ये पूरा 1200 तो नहीं कर सकते क्योंकि 1300 का स्टॉक है हमारे पास, तो इसमें से 700 कितने जाएंगे? 700। आप बाकी इनको ना प्लस करके हिसाब लगा सकते हो, तो 700 कितने वाले गए? 57। सब सबका रेट ले लेते हैं, 65000, 15 इंटू 6 90000, 1 68, 1 47 और 57 को करो भाई, ये गुणा तो मुश्किल है। हाँ 39 टोटल। अब 1300 बचेंगे तो इसमें से बचेगा हमारा कितना? 500, ये क्लोजिंग स्टॉक है। यहां क्लोजिंग स्टॉक सर 500 इंटू में 57 और 800 इंटू में 62, ये आ गया 862, तो पता है 49 और ये 28, टोटल कर दो सबका। ये कौन सा चल रहा है? पीरियोडिक। अब देखा आपने पूरे एक साल तक काम किया, साल के एंड में काम कर रहा है ये, देख ये सिक्सटी सिक्स। भाई देखो ये जितने भी सवाल किए ये मैंने किए, आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये सारे सवाल आपको दोबारा भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, तो नहीं तो भूल जाओगे आप बहुत जल्दी। एवरेज वाला सबसे आसान है, एवरेज वाला सबसे आसान, सबसे पहले तो एवरेज रेट निकालना होगा, इसलिए मैंने एक कॉलम बना लिया कि रेट फट से निकल जाए। अब रेट जो इनके बीच में निकल के आएगा इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो कि 58.85 आ गया, 58.85 आएगा ना, ये आ गया एवरेज रेट है, 78 आ रहे हैं ये भाई, गलत मत बताओ, 78। चलिए एवरेज, एवरेज में आपको पता है कितने यूनिट बेचे?
रेट आपको पता है 58 पॉइंट, टोटल आ गया, फटाफट करो। रेट गलत है, कितना रेट आएगा? अच्छा 8.5। बस बस ध्यान दीजिए, बताइए। बताइए मल्टीप्लाई करके फटाफट। अब एक सवाल बहुत वैलिड सवाल आया कि सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये परपेचुअल है क्या है? यहाँ पे भी तो वही शब्द लिखा है भाई। यहाँ पे आपको ना इशू कहीं भी नहीं दिखेगा, साल के लास्ट में बोल देगा इतना इशू किया इकट्ठा, तो आप समझ जाइएगा ये पीरियोडिक है। कितने आ गए? 11,000, यही ना। अब क्लोजिंग देखो, ये सबसे आसान, बताइए कितने? छिहत्तर हजार। सर ये हो गया पीरियोडिक। अभी तक हमने क्या करा एक बार फटाफट देखिए, ज्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक हमने, सिर्फ और सिर्फ ये तो दो सिस्टम था। हमने क्या क्या देखा फटाफट देखिए, मटेरियल का सिस्टम बताया। यहां से आपको पता चला कि भैया रिसीव जब हमें मिलता है फैक्ट्री से, इशू जब हम गोडाउन को भेजते हैं, और बैलेंस का बात पता चला था। इसके बाद सर हमारे जो मेथड थे, इन तीनों मेथड के नाम और कुछ चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद सवाल किया, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। इस सवाल को हमने टाइम ज्यादा लगाया है सिर्फ समझने के पर्पज के लिए, ठीक है। इसमें अब मान के चलो, अब 1 से 2 घंटे की क्लास हुई है, मान लेते हैं 2 घंटे की क्लास में आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। 2.5 घंटे कहाँ हुए हैं, 10 नंबर आपके क्या हो जाते हैं, पक्के। इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो वो फिर बात नहीं बनेगी। पहले हमने लीफो से करा, फिर फीफो से, नहीं पहले फीफो से, फिर लीफो से, फिर वेटेज। वेटेज के अंदर और लीफो फीफो में फर्क क्या है? लीफो और फीफो में ना आपका जब इशू होता है ना तब चेंज हो जाता है, जब इशू होता है तब चेंज होता है। लेकिन वेटेज के अंदर कहाँ फर्क पड़ता है? जब बैलेंस होता है ना, बैलेंस, वहां पे चेंजेस हो जाता है। इसके बाद एक सवाल हमने और देखा जिसमें रिटर्न था और साथ के साथ आपका शॉर्टेज का भी पार्ट था। इसके बाद एक ये वाला भी रहता है, करेंगे अभी, चिंता मत करो। इसके बाद क्या था हमारा पीरियोडिक। पीरियोडिक वाले में क्या था सर? हम फटाफट फटाफट परचेज करते जाएंगे और लास्ट में बताएंगे कि इतने का हमने सेल कर दिया, और सेल भी नहीं बताएगा आपको, क्लोजिंग बता देगा या ओपनिंग और क्लोजिंग बता देगा, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि अगर मैं सेल्स यूनिट की बात करूं तो क्या होता है सर? सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है हमारा। यानी ओपनिंग ओपनिंग ये सारे यूनिट है, अमाउंट मत समझना, हमारे कॉस्टिंग में ना यूनिट पे चलता है। तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट तो बताएं, फिर अगले टॉपिक पे चलें। अमाउंट गलत है, इशूड वाला क्या गलत है बता? 50। अच्छा इसको 500 काटते हैं, नहीं कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा? 50, 55, ठीक है। अब इसका भाई कौन कर रहा है ऐसी कैलकुलेशन? ये बताओ ये बताओ ये कितना आएगा? ये 5 लाख। चलिए चलिए ठीक हो गया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है?